Hello friends, today live के न्यू सेशन में आप सब का स्वागत है। So जैसा आप लोग देख रहे हैं कि आज हमारा टॉपिक होगा What is OOP, Object Oriented Programming के बारे में हम लोग जानेंगे। इसके पहले के सेशंस में हम लोगों ने ऑलरेडी डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में जाना, क्या होती है, उसमें प्रोग्रामिंग कैसे की जाती थी, हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल्स के बारे में भी जाना। तो आज हमारा टॉपिक है नेक्स्ट प्रोग्रामिंग टेक्निक, जो ओओपी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये प्रोग्रामिंग टेक्निक है। हम लोगों ने जब इसके पहले के सेशंस में देखा था तो हम लोगों ने देखा था कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसमें सबसे पहले जब प्रोग्रामिंग शुरू हुई थी, स्टार्टिंग में जब कंप्यूटर इन्वेंशन हुआ था, जब प्रोग्रामिंग लोगों ने प्रोग्राम लिखना शुरू किया था, तो सबसे पहला हमारा जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंट्रोड्यूस हुआ था वो हुआ था मशीन लैंग्वेज प्रोग्रामिंग। मशीन लैंग्वेज प्रोग्रामिंग में क्या होती थी, मशीन लैंग्वेज प्रोग्रामिंग में जो हम प्रोग्राम्स लिखते थे वो बाइनरी बिट्स के फॉर्म में लिखते थे, 1010 के फॉर्मेट में लिखते थे। और इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या था, आज के डेट में अगर कोई क्लाइंट, कोई पर्सन जिसके लिए हम प्रोग्राम लिख रहे हैं, जिसके लिए हम एक एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं, वो अगर हमें बोले कि आपको एक वेबसाइट बनानी है हमारे लिए, मेरे सब मैं एग्जांपल ले रहा हूँ आज के सेशन के लिए, सेशन के लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सिस्टम, हमें एक रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है, क्या ये पॉसिबल है कि हम 1010 के फॉर्मेट में पूरा का पूरा रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सिस्टम का प्रोग्राम लिख पाते, कभी नहीं। और दूसरी डिसएडवांटेज क्या थी मशीन लैंग्वेज की, कि ये सिस्टम स्पेसिफिक होता था, ठीक है। तो अगर हमें एक एप्लीकेशन बनाना है जो डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स पे चले, तो क्या मशीन लैंग्वेज प्रोग्रामिंग हमारी हेल्प कर पाती, बिल्कुल नहीं कर पाती। तो उसके बाद दूसरा रिवोल्यूशन क्या आया था, दूसरा रिवोल्यूशन आया था असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग का। असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग क्या थी, ये हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, वो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सबसे पहला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टेक्निक थी। हाई लेवल असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग में कैसे लिखते थे प्रोग्राम्स, इसमें हम इंग्लिश के लेटर्स का यूज करते थे। सपोज मैंने जैसे यहाँ कमांड लिख रखा है एड ए बी, एड ए बी का मतलब क्या होता था कि हमें ए में बी को एड करना है, ये इंस्ट्रक्शन हम कंप्यूटर को दे रहे हैं। फिर भी ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें हेल्प नहीं करती अगर हमें बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम लिखने पड़ते, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल दिया रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सिस्टम का। अब उसके बाद फिर एवोल्यूशन हुआ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, स्टेप बाय स्टेप इवोल्यूट हो रही है। तो अब उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारे पास आई थी वो थी स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या फिर प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। स्ट्रक्चर या प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सबसे अच्छा एग्जांपल सी है, ठीक है। लेकिन इसमें भी कुछ डिसएडवांटेजेस थे जिसके वजह से जो 90s की सबसे पॉपुलर लैंग्वेज सी, आज भी अगर आप देखो आपको एग्जाम्पल मिलेंगे जहां हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम तक डेवलप होती है सी में, फिर भी सी जैसे स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के होते हुए भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टेक्निक क्यों आई एक्जिस्टेंस में, हम इसको समझने की सबसे पहले कोशिश करेंगे। क्योंकि ये दोनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टेक्निक्स जो थी, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टेक्निक्स को आपको ऑलरेडी समझ में आ रहा है कि इसको यूज कर हम बड़े प्रोग्राम्स नहीं लिख सकते हैं, बट सी जो आज ही यूज हो रही है इसके होते हुए भी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों एग्जिस्टेंस में आई, इसको समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्स लेने की कोशिश करते हैं। कुछ जो डिफरेंस है स्ट्रक्चर लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टेक्निक्स में, उसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या प्रोसीजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अगर आपको याद होगा तो इसमें मैंने बताया था कि जो प्रोग्राम्स हम लिखते हैं या सी में जो प्रोग्राम्स लिखते हैं, उसका एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एग्जांपल लेते हैं, सी में जो प्रोग्राम्स हम लिखते हैं उन प्रोग्राम्स में हमारा मेन फोकस होता है फंक्शंस के ऊपर, प्रोसीजर्स के ऊपर, रादर देन डेटा के ऊपर। मैंने बार बार अपने लास्ट ट्यूटोरियल में बताया था कि स्ट्रक्चर और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बीच में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि हम स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम स्ट्रक्चर के ऊपर फोकस करते हैं, हम फंक्शंस के ऊपर फोकस करते हैं, ना कि हम डेटा के ऊपर फोकस करते हैं। अब आप सपोज कि आप जिस पर्टिकुलर रेस्टोरेंट के लिए एक एप्लीकेशन बनाना चाह रहे हैं, आप जब उनसे बात करने जाएंगे तो वो क्या आपके फंक्शंस के बारे में केयर करेगा, उससे सबसे ज्यादा जरूरी होगा क्या वो दिन भर में जितना सेल कर रहा है उसका डेटा, उसके लिए इंप्लाई काम कर रहा है वो कितने घंटे काम कर रहा है उसका डेटा, वो हमेशा फोकस करेगा किसके ऊपर, वो हमेशा फोकस करेगा उसके डेटा के ऊपर, उसके रेस्टोरेंट में कितने टेबल्स एंड चेयर्स हैं, उसके रेस्टोरेंट में एक बार में कितने लोग बैठ के खा सकते हैं,
उसके रेस्टोरेंट का बिलिंग सिस्टम, इन सब का, इन सब डेटा के ऊपर, इन सब डेटा से वो क्या फोकस करेगा, उससे कुछ मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन निकले। जैसे कि आप रेस्टोरेंट बुकिंग सिस्टम बनाना चाह रहे हैं तो उसके टेबल्स और उसके जितने वेटर्स जितने इंप्लाइज हैं वो सारे काम करके वो एक बार में कितने लोगों को सर्व कर सकता है, ऐसा एक मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन वो निकालने की कोशिश करेगा डेटा पे बेस करके। ना कि आपके प्रोग्राम में जो फंक्शन लिख रहा है, सपोज बुकिंग फंक्शन लिख रहे हैं, सपोज आपने लिखा डू बुकिंग, सपोज आपने लिखा डू कैंसलेशन, सपोज आपने लिखा कैलकुलेट नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, इन फंक्शन से उसे कोई भी लेना देना नहीं होगा। वो मेनली फोकस करेगा उसके रेस्टोरेंट के डेटा के ऊपर। तो वही चीज हेल्प करती है हमें क्या, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। दूसरा मैं आपको डिवाइड बताता हूँ स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का या प्रोसीजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, जिसके वजह से ऊप्स जो है वो एग्जिस्टेंस में आई, सीखे होते हुए भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर एग्जिस्टेंस में आई। और आज के मैक्सिमम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मैं ये नहीं कहूंगा 100% प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बट मैक्सिमम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऊप्स टेक्निक को फॉलो करते हैं। दूसरा सबसे बड़ा डिमेरिट, जब हम, मैंने कहा फंक्शंस के ऊपर फोकस करते हैं तो हम उसमें क्या करते हैं, एक स्ट्रक्चर में प्रोग्राम लिखने की कोशिश करते हैं। हमारा मेन फोकस होता है वेरिएबल्स के ऊपर, ग्लोबल वेरिएबल्स के ऊपर, फंक्शंस के ऊपर। आप सपोज समझने की कोशिश करो, हमने एक फंक्शन लिखना शुरू किया, ठीक है, उस फंक्शंस में सपोज 10,000 लाइंस ऑफ कोड हो गए, क्या उसे मैनेज करना इजी होगा? एकदम नहीं होगा। कभी भी हम 10,000 लाइंस ऑफ कोड को हम डिबग कर ही नहीं सकेंगे, उनको हम लाइन बाय लाइन समझ ही नहीं सकेंगे। हम 1,000 लाइन को समझेंगे, नेक्स्ट 1,000 को समझने के टाइम पे हम फर्स्ट 1,000 लाइन भूल जाएंगे, ऐसा भी हो सकता है। अब सपोज किसी ने कहा कि हाँ इन फंक्शन को हम चार छोटे छोटे स्मॉल फंक्शन में डिवाइड कर लेते हैं, पांच फंक्शन में डिवाइड कर लेते हैं, फिर भी हमारा पांच फंक्शन जिसके अंदर 10,000 लाइन्स ऑफ कोड थे, अगर इसको हम 5 से डिवाइड करें तो भी ईच फंक्शन मिनिमम 2,000 लाइन्स ऑफ कोड सा होगा, फिर भी 2,000 लाइन्स ऑफ कोड जिसको कि मैनेज करना इजी नहीं होगा। इसके वजह से प्रोसीजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम्स को मैनेज करना, फंक्शंस को मैनेज करना इतना इजी नहीं था, जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हमारे पास, हम डेटा के ऊपर फोकस करते हैं जो हमारा क्लाइंट चाहता है। अब हम एग्जांपल लेने की कोशिश करते हैं कि कैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसका नाम ही जैसा रखा गया है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, मतलब ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस करेंगे, और ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, रियल वर्ल्ड एंटिटीज के ऊपर फोकस करेंगे। कैसे फोकस करेंगे, जैसा मैंने कहा कि आज के लिए हम एग्जांपल ले रहे हैं, रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सिस्टम का। तो रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सिस्टम का अगर हमने एग्जांपल लिया, सपोज हम अपने क्लाइंट के पास, मतलब रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सिस्टम रेस्टोरेंट के ऑनर के पास है, जब हम उनसे बात करेंगे तो वो हमें क्या बताएंगे, हमें तो उनसे कुछ इन्फॉर्मेशन लेना है। आपने पिछले सेशन में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल्स के बारे में देखा, आपको उसमें देखा होगा कि हमारा सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है रिक्वायरमेंट गैदरिंग का। कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को सबसे पहला फेज होता है रिक्वायरमेंट गैदरिंग का। जब हम रिक्वायरमेंट गैदरिंग के लिए अपने क्लाइंट के पास जाएंगे, रेस्टोरेंट के ऑनर के पास जाएंगे, तो हम जब रेस्टोरेंट ऑनर से बात करेंगे तो क्या वो हमें किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में बोलेगा? बिल्कुल नहीं बोलेगा। उसका सबसे बड़ा फोकस होगा उसके रेस्टोरेंट कैसा फंक्शन करता है, उसके रेस्टोरेंट में क्या क्या, कितने एम्प्लॉइज हैं, उसके रेस्टोरेंट में कितने टेबल्स एंड चेयर्स हैं, वो एक बार में रेस्टोरेंट में कितने लोगों को खाना सर्व कर सकता है। इसका मीन्स उसे कोई भी मतलब नहीं है कि मैं प्रोग्राम जो मैं इसके लिए जो रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सिस्टम बनाऊंगा वो किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेवलप हो, सी में हो, C++ में हो, PHP में हो, जावा में हो, .NET में हो, AngularJS में, उसे इससे कुछ लेना देना नहीं होगा। जब हम उससे रिक्वायरमेंट गैदर करेंगे तो वो हमें क्या बोलेगा, वो हमें बोलेगा इम्प्लॉइज मेरे रेस्टोरेंट में एन नंबर्स ऑफ इम्प्लॉइज काम करते हैं, वो बोलेगा मेरे रेस्टोरेंट में एन नंबर ऑफ मैनेजर्स हैं, वो हमें बोलेगा वो अपने रेस्टोरेंट में एन नंबर ऑफ पीपल्स को सर्व कर सकता है, वो मुझे बोलेगा कि उसके रेस्टोरेंट में एन नंबर्स ऑफ चेयर एंड टेबल्स हैं, वो हमें बताएगा कि उसके रेस्टोरेंट में एन नंबर ऑफ सीटिंग अरेंजमेंट हैं। अब जब वो मुझे बोले कि उसके रेस्टोरेंट में इतने एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं या एन नंबर ऑफ वेटर्स काम करते हैं, तो हमें अपने प्रोग्राम्स में, अगर हम बोलेंगे नहीं हम PHP प्रोग्रामिंग यूज करेंगे, अगर मैंने बोला नहीं मेरे पास तो रूटीन फंक्शन होगा, क्या हमारे और उसके बीच में जो कम्युनिकेशन गैप है वो कम्युनिकेशन गैप कितना ज्यादा हो जाएगा? वो बोलेगा इम्प्लॉइज, हम बोलेंगे मैनेज,
मैनेज फंक्शन, वो बोलेगा नंबर ऑफ टेयर्स है चेस, हम बोलेंगे डूबिंग। क्या कभी भी हमारा कम्युनिकेशन गैप जो है वो फिल हो सकेगा? कभी नहीं हो सकेगा। तो जब वो बोले कि इम्प्लॉइज, तो हमारा प्रोग्राम इम्प्लॉइज बोलकर कुछ लिख सके जो उसे भी समझ में आए। अगर वो बोले मैनेजर, तो हमारे भी प्रोग्राम में मैनेजर वर्ड यूज हो, हमारे भी प्रोग्राम में मैनेजर नाम का एक फंक्शन हो, मैनेजर नाम का एक ऑब्जेक्ट हो। मैनेजर क्या है? मैनेजर हमारे आपके जैसा एक इंसान है जिसे हम रियल वर्ल्ड एंटिटी हो सकते, हम एग्जिस्ट करते हैं, वैसे मैनेजर भी एग्जिस्ट करता है। सो हमें मैनेजर नाम का कुछ एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा अपने प्रोग्राम में। हम अगर बोले पीपल, इतने नंबर ऑफ पीपल को हम सर्व कर सकते हैं, तो पीपल क्या है? तो खाने जाएंगे, वो भी रियल वर्ल्ड एंटिटीज है, रियल वर्ल्ड पर्सन है। तो हमें पर्सन बोलकर एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। सो आप जैसा देख रहे हो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो भी है, अगर हम सबसे पहला एग्जाम्पल है, अगर हम सी प्लस प्लस, जावा, डॉट नेट, सी प्लस प्लस, जावा, डॉट नेट, आज की जितने भी पॉपुलर लैंग्वेज है, ये सारे के सारे लैंग्वेज जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग टेक्निक्स के ऊपर डेवलप की गई है। इन सारे लैंग्वेज में जब हम प्रोग्राम लिखेंगे, तो हमारा जो एंड यूजर या हमारा जो बिजनेस पर्सन या क्लाइंट के साथ जो डिस्कशन होता है, वो जिन टर्मिनोलॉजीज को यूज करते हैं, हम उन टर्मिनोलॉजीज को यूज करते हैं अपने प्रोग्राम में एज एन ऑब्जेक्ट, एज एन फंक्शन। अगर वो हमें बोले कि हाँ हमें बुकिंग करना है, तो हम अपने प्रोग्राम में क्या फंक्शन लिखते हैं? बुकिंग फंक्शन लिख सकते हैं, डू बुकिंग लिख सकते हैं। अगर रियल वर्ल्ड में किसी कस्टमर ने टेबल जो बुक किया था उसे कैंसिल किया, तो हम अपने प्रोग्राम में, अपने फंक्शन में, अपने एप्लीकेशन में डू कैंसिलेशन बोलकर या कैंसिलेशन बोलकर एक फंक्शन लिख सकते हैं, जो उसे भी समझने में इजी होगा कि ये फंक्शन क्या काम कर रहा है। अगर हम उसे बोले कि हाँ मैंने कैंसिलेशन लिखा है, फंक्शन लिखा है, कैंसिलेशन फंक्शन लिखा है, वो इजीली इसे इंटरप्रेट कर सकता है। वो अच्छा, अगर किसी कस्टमर ने बुकिंग कैंसिल की, तो वो उस फंक्शनैलिटी को इंप्लीमेंट करने के लिए लिखा हुआ है। अगर उसने बोला मैंने बुकिंग टाइप का फंक्शन लिखा है, उससे क्या मतलब निकलेगा? बुकिंग टाइप का फंक्शन लिखने से मतलब ये निकलेगा कि हाँ वो फंक्शन जो है, अगर कोई कस्टमर बुकिंग करता है तो उस चीज को इंप्लीमेंट किया वो फंक्शन लिखा हुआ है। अगर मैंने अपने क्लास में, अपने प्रोग्राम में एक ऑब्जेक्ट बनाया, अपने एक क्लास बनाया, मैनेजर बोलकर क्लास बनाया, मैनेजर नाम बोलकर ऑब्जेक्ट बनाया, उसे भी समझ में आएगा कि हाँ मैनेजर जो है, हमारे रेस्टोरेंट में ये इतने नंबर ऑफ मैनेजर्स हैं जिनको ये क्या कहते हैं ऑथोरिटी मिली हुई है, इन सबको मैनेज करने के लिए एक मैनेजर टाइप का क्लास बनाया हुआ है। मैंने बोला उसको एक एक पर्टिकुलर क्या कहते हैं अकाउंटेंट है, अकाउंटेंट को अकाउंट मैनेज करने के लिए परमिशन दिया हुआ है। परमिशन जैसे ही मैंने बोला अच्छा, तो हमारा जो सामने का रेस्टोरेंट वाला था वो समझ गया अच्छा परमिशन मतलब डिफरेंट डिफरेंट जो काम करने वाले लोग हमारे हैं, जितने एम्प्लॉइज काम करते हैं, उनको क्या क्या परमिशन मिला है, ऐसा कुछ उसमें फंक्शनैलिटी होगा। तो आप समझ रहे हो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को अगर हम यूज करेंगे, जिसमें कि हम रियल वर्ल्ड एंटिटीज के ऊपर फोकस करेंगे, जो हम डिस्कशन करके आएंगे उन चीजों को यूज करके हम प्रोग्राम लिखने की कोशिश करेंगे, तो कम्युनिकेशन गैप फिल होगा। जहां की स्ट्रक्चर या प्रोसीजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम मेनली फोकस करते थे ग्लोबल वेरिएबल्स, फंक्शंस, और इस तरह की शिक्षा हम डिसएडवांटेज को बताता हूं। ग्लोबल वेरिएबल्स जैसे मैंने आपको बोला, ग्लोबल वेरिएबल्स बनाओ, अगर मैंने सपोज एक वेरिएबल बनाया int a और उसके अंदर मैंने एक वैल्यू दिया 10, सपोज मैंने एक ग्लोबल वेरिएबल बनाया, ग्लोबल वेरिएबल ऐसा कुछ होता है, मैंने ग्लोबल a इक्वल टू 10 ऐसा कुछ बनाया। हमारा प्रोग्राम में मैंने देखा कि 5 फंक्शंस लिखे, उनमें से सिर्फ एक फंक्शन को क्या कहते हैं या दो फंक्शन को मुझे वो वैल्यू देनी है। अगर एक फंक्शन को देना होगा तो हम उसमें लिखते, दो फंक्शन को हमें वो एक ही वैल्यू देनी है। अब क्या होगा, हम तो उसे ग्लोबली डिक्लेयर करेंगे, बाकी का 3 फंक्शन उसे उसका कोई यूज नहीं है, बट फिर भी उस वो थोड़ी ना थोड़ा मेमोरी यूज कर रहा है। इसके अलावा मेमोरी लीकेज की प्रॉब्लम होगी। मेमोरी लीकेज की प्रॉब्लम कैसे होगी, वो 3 फंक्शन सपोज उस नाम से मिलता जुलता कुछ फंक्शन कॉल कर रहा था और गलती से उन्होंने ए लिख दिया, उस फंक्शन का नाम लिख दिया या उस पर्टिकुलर वेरिएबल का नाम लिख दिया, क्या होगा? अगर उसने उन वैल्यूज को मैनिपुलेट कर दिया तो अदर दो फंक्शन के लिए वो वैल्यू मैनिपुलेट हो जाएगी। जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम क्या कर रहे हैं, फोकस ही कर रहे हैं ऑब्जेक्ट के ऊपर, रियल वर्ल्ड एंटिटी से मैच करता हुआ ही हम लिख रहे हैं कुछ भी। ये भी मेमोरी की भी प्रॉब्लम बहुत कम होती है। तो आज हम लोगों ने देखा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का बेनिफिट क्या है, ये अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो मशीन लैंग्वेज थी, असेंबली लैंग्वेज थी, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग, स्ट्रक्चर या प्रोसीजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसके डिमेरिट्स को कैसे ओवरकम करते हुए आज के डेट में सबसे पॉपुलर लैंग्वेज है। और हाँ, मैंने एक प्रोग्राम बनाया था तो मैंने डिस्कस ही नहीं किया आज के सेशन में, मैं इसके अलावा कुछ डिस्कस नहीं करूंगा, बट आपकी जस्ट नॉलेज के लिए ये जो 6 देख रहे हैं उस बीच में लिखा है, और ये ऑब्जेक्ट क्लास एक्सेप्शन इनकैप्सुलेशन इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म, ये 6 पिलर्स हैं, 6 मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं ऑब्जेक्ट
ऑब्जेक्ट-ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के, जिन्हें हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। शायद इसके बाद वाले सेशन में मैं ऑब्जेक्ट क्लास और एब्स्ट्रैक्शन को डिस्कस करूं, उसके बाद के सेशन में मैं इनकैप्सुलेशन इनहेरिटेंस और पॉलीफंक्शन को डिस्कस करूं। तो आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस टेक्नोलॉजी को, ये सेशन आपको अच्छा लगा हो, तो आप हमारे नेक्स्ट दो सेशन के लिए भी जुड़े। मैं जहां तक बुक कर रहा हूं, दो सेशन में हमारा ये जो है प्रोग्रामिंग टेक्निक को हम समझ लेंगे, उसके बाद हम प्रोग्रामिंग में जंप इनटू करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड विद ट्यूटोरियल लाइन। और लास्ट में मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि प्लीज जब भी आप वीडियो को देखें यूट्यूब पे, तो मिनिमम 360 या 40 पिक्सल के रिजोल्यूशन पे देखें, आपको वीडियो की क्लैरिटी अच्छी दिखाई देगी। आपके कमेंट्स और व्यूज का हमारा